उत्तरी इसराइल के एक रियत शमोना पर लेबनान से दागे गए रॉकेट शहर के एक रिहायशी इलाके में लगी भीषण आग। हमास ने ली शमोना पर रॉकेट अटैक की जिम्मेदारी। हमास का दावा, लेबनान डिवीजन ने दागे करीब 12 रॉकेट। किरियात शमोना में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास फटा एक रॉकेट कई दुकानों और गाड़ियों में लगी भीषण आग। गाजा से मध्य इसराइल पर हुआ रॉकेट अटैक, कई रिहायशी मकानों को हुआ नुकसान। हमास के हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, कई गाड़ियां धमाके की चपेट में आकर हुई तबाह। किरियात शमोना पर हमले के बाद इसराइल ने किया दक्षिणी लेबनान पर हमला। हिज़्बुल्लाह के कई ठिकानों को किया गया टारगेट। इसराइली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर हमले का वीडियो जारी किया, कई इमारतें तबाह हुई। जंगल में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर भी बरसाए बम। इसराइल ने गाजा के ब्यूरीज रेफ्यूजी कैंप पर किया एयर स्ट्राइक, कम से कम 15 लोगों की मौत। इसराइली एयरफोर्स ने रेफ्यूजी कैंप की रिहायशी इमारत को किया टारगेट, दर्जनों लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। इसराइली सेना का गाजा के भीतर घुसना जारी, इसराइल ने जमीनी कार्रवाई का वीडियो किया जारी। वीडियो में इसराइली सेना का एक कमांडर सैनिकों को निर्देश देता आया नजर। टैंक से हमास के ठिकानों पर दागे गोले। इसराइली एयरफोर्स ने हमास के दागे क्रूज मिसाइल को किया इंटरसेप्ट, जेट ने पीछा कर हवा में किया तबाह। विदेश मंत्री अजय शंकर ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमास के हमले की निंदा की, कहा आतंकवाद किसी भी रूप में मंजूर नहीं। इटली में विदेश मंत्री ने फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया, कहा फिलिस्तीन की समस्या का समाधान है जरूरी, दो देश का सिद्धांत ही हो सकता है हल। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का आज इसराइल दौरा, ब्लिंकन ने इसराइल की कार्रवाई को ठहराया जायज, कहा अपनी रक्षा करने का अधिकार। एंटनी ब्लिंकन बोले कोई भी देश अपने नागरिकों का कत्लेआम नहीं करेगा बर्दाश्त, इसराइल यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि वो जो हुआ वो दोबारा नहीं हो। इसराइली पीएम नेतन्याहू ने गाजा में फ्यूल भेजे जाने की इजाजत देने से किया इनकार, कहा केवल भोजन पानी और दवा की दी है अनुमति। इसराइल हमास के बीच जंग का आज 28वां दिन, अब तक दोनों तरफ के 10,500 से ज्यादा लोग मारे गए। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गाजा में अब तक 9,061 से ज्यादा लोगों की मौत, वेस्ट बैंक में करीब 130 फिलिस्तीनी मारे गए। इसराइल का दावा, अब तक हमास के 12,000 ठिकाने तबाह, हमास के हथियारों के गोदाम और रॉकेट लॉन्चिंग पैड भी उड़ाए गए।